दोस्तों, पेवर्स ब्लॉक यानी इंटरलॉकिंग टाइल्स का अगर आप बिजनेस करने की सोच रहे हैं तो अब इंडिया का सबसे बेहतरीन स्पेशल ऑफर मैं आपके सामने लेकर आया हूं। दोस्तों, आपने सुना होगा इंटरलॉकिंग टाइल्स का बिज़नेस आप 10 लाख से शुरू कर सकते हैं या 5 लाख से कर सकते हैं। कोई कहता है कि पेवर्स ब्लॉक का बिज़नेस कम से कम 3 लाख से ही शुरू होता है, लेकिन दोस्तों मैं आपके लिए लिमिटेड पीरियड स्पेशल ऑफ़र लेकर आया हूं और ये है सिर्फ 1,99,000 रुपये का ऑफ़र, यानी कि सिर्फ 1,99,000 से आप इंटरलॉकिंग टाइल्स बनाने का कारोबार शुरू कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल स्किप मत करना, ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक रहना इस वीडियो में दोस्तों। और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो अभी से लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए सारे दोस्तों से, रिश्तेदारों से। देर किस बात की, लेट्स गेट स्टार्टेड। ये हमारा सपोर्टिंग टेबल है, ये वाइब्रेटर है, ये हमारा कंक्रीट पैन मिक्सर है। दोस्तों, अगर आप बिजनेस करने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले एक बात जान लीजिए, कर मिलो दूरो जो मंजिल, पहला कदम उठाना जरूरी है। तो उठाइए पहला कदम और झट से सब्सक्राइब कर लीजिए बिजनेस कैसे करें चैनल को, क्योंकि इस रास्ते में आपको मिलने वाले नए नए बिजनेस आइडियाज, इनोवेशन, बिजनेस मॉडल से जुड़ी जानकारी और गाइडेंस। तो चलिए, देर किस बात की, शुरू करते हैं घंटा बजाकर बिजनेस कैसे करेगा सुहाना सफर। दोस्तों, पेवर्स ब्लॉक का अगर आप कारोबार करना चाहते हैं तो मैं आपके लिए स्पेशल, सिर्फ आपके लिए स्पेशल ऑफर लेकर आया हूं। दोस्तों, HP टाइल्स मशीनरी नोएडा में मेरे साथ मौजूद हैं HP टाइल्स मशीनरी के ओनर मिस्टर शकील खान साहब। बहुत बहुत स्वागत है सर, बिजनेस कैसे करें मैं आपका। नमस्कार चले जी, कैसे हैं आप। मैं बहुत बढ़िया हूँ सर। HP टाइल्स मशीनरी को देखने के लिए मैं, मेरे दर्शकों के लिए, आपने मुझे कहा कि कोई स्पेशल ऑफर है। जी जी जी, तो मेरे से रहा नहीं गया, मैंने कहा पेवर्स ब्लॉक का वीडियो तो हमने दिखाया लेकिन स्पेशल ऑफर क्या है सर, पहले मैं वो जान लेता हूँ। देखिए शैलेश जी, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। जैसे मार्केट में कंपटीशन हमने देखा है कि हर चीज़ में, रेट्स में, हर चीज़ में कंपटीशन होता है, तो हम कुछ अलग करना चाहते हैं, कुछ अलग करेंगे हम। हम मार्केट्स में जो रेट्स लेके आए हैं वो इतनी कम है, और वो किस लिए, सिर्फ हमारा एक HP टाइल मशीनरी का प्रमोशन। हम चाहते हैं कि हर स्टेट, हर सिटीज़ में हमारे प्रोजेक्ट्स लगें, हमारे जो भी आपके गांव हैं, विलेजेस हैं, उनमें सब में आपके प्रोजेक्ट्स लगें और हमारा उसके अंदर प्रमोशन हो, जिससे मेरी कंपनी का नाम आए, आगे आए और बहुत सारे प्रोजेक्ट हम लगा दें, फिर हम उससे आगे बढ़ के कुछ करें। तो जो हमने एक लिस्ट तैयार करी है वो आपके साथ मैंने शेयर करी हुई है, तो आप हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको दिखा सकते हैं, आप देखिए एक बार। दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग बिजनेस है, कोई सोच नहीं सकता कि पेवर्स ब्लॉक का कारोबार महज 1,99,000 रुपयों से आप शुरू कर सकते हैं। शायद देश में ये पहला ऑफर होगा जो HP टाइल्स मशीनरी दे रही है आपको, पेवर्स ब्लॉक यानी कि जो इंटरलॉकिंग टाइल्स हैं उनको बनाने की जो मशीनरी का सेटअप है वो आपको केवल और केवल 1,99,000 रुपये में आप दे रहे हैं सर। बिल्कुल 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 सर। और उसके बाद और भी ऑफर्स हैं, 2,49,000, 2,99,000, 3,49,000 और 3,99,000। जी जी जी, ये ऑफर्स हैं, अलग अलग मशीन के सेटअप्स हैं। दोस्तों, मतलब बहुत ही ज़बरदस्त है, हमारे देश में इंटरलॉकिंग टाइल्स की डिमांड जिस तरह से बढ़ रही है वो, मतलब मैं कहूँगा कि अनप्रेसिडेंटेड है, असाधारण तरीके से। गांव हो, देहात हो, छोटे छोटे कस्बे हों, शहर हों और मेट्रो सिटीज़, हर जगह फुटपाथ पे आप देखते हैं इंटरलॉकिंग टाइल्स। ये इसका एक सबसे बड़ा कारण ये है कि एक तो सरकार की भी कोशिश है कि हमारा जो एनवायरनमेंट है वो बचा रहे, साथ ही साथ क्योंकि पानी अंदर जाता है इनमें, जो जॉइंट्स होते हैं उससे जो अंडर वाटर हमारा लेवल होता है, वाटर लेवल, वो डाउन नहीं होता। दूसरी बात ये है कि अगर कोई टाइल ख़राब हो जाती है तो उस टाइल को तुरंत रिप्लेस कर सकते हैं। तो दोस्तों, इतना ज़बरदस्त ये कारोबार है, मैं अब आपसे ही जान लेता हूँ शकील सर जी, कि जो पैकेजेस हैं, जी ये जो पैकेजेस हैं, मैं इनके बारे में अभी पहले बात करूं, उससे पहले आपकी जो मशीनरी है जी, कितने साल से ऑपरेट कर रहे हैं आप सर। सर,
ये मेरे फादर का बिजनेस है, ये लास्ट 20 ईयर से हम इस बिज़नेस में हैं। मैं इस बिज़नेस के अंदर 2008-09 से मैं आया हूँ, अपनी मैंने पढ़ाई करने के बाद इस बिज़नेस के अंदर मैं आने के बाद मैं चाहता हूँ कि इस बिज़नेस को और ग्रो करूँ और अच्छे तरीके से इंडिया में बहुत अच्छी तरीके से इसको हम फैलाऊँ। बिल्कुल नई जनरेशन, हम नई जनरेशन है, वो मेरे फादर का बिज़नेस था, वो जिस तरीके से कर रहे थे, लेकिन हम अपने तरीके से इसको और बहुत अच्छी तरीके से फैला सके, जगह जगह ऐसा कोई स्टेट ना बचे जिसमें हमारे प्रोजेक्ट्स ना हों। दोस्तों जो फादर साहब हैं शकील खान साहब के, मिस्टर एम खान साहब, उन्होंने HP टायर्स की जो है उसको फॉर्म किया सन 2000 के आसपास की बात है, मतलब शुरुआती दौर था। तो मैं सबसे पहले आपको जो शकील खान साहब के फादर साहब हैं जिन्होंने HP टायर्स की शुरुआत की, पहले मैं उनसे मिलाता हूँ, फिर मैं आपको पूरी इनका जो सेटअप है, पूरी जो फैक्ट्री है, कारखाना है जहाँ ये मशीनों का सेटअप बनता है वो दिखाऊंगा, और साथ साथ उनकी सेल्स टीम के साथ भी आपको मिलवाऊंगा जो आपको बताएंगे कि कैसे ये मशीन खरीद के आप आगे कारोबार कर सकते हैं। बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें होने वाली हैं दोस्तों, बिल्कुल स्किप मत करना। तो सबसे पहले मैं आपको खान साहब से मिलवाता हूँ। दोस्तों मेरे साथ मौजूद हैं HP टाइल्स के फाउंडर मिस्टर एम खान साहब। टाइल इंडस्ट्री में जो पेवर्स ब्लॉक की इंडस्ट्री है उसमें अहम रोल इस देश में अगर हम बात करेंगे जब भी पेवर्स ब्लॉक की तो खान साहब को याद किया जाएगा। खान साहब मुझे बड़ा गर्व हो रहा है कि मैं आपसे मुलाकात कर पाया, आपकी फैक्ट्री विज़िट कर पाया। जो आपने सन 2000 के आसपास ये पूरे पेवर्स ब्लॉक का कारोबार हिंदुस्तान में शुरू किया, कितना बड़ा चैलेंज था उस समय सर ये काम शुरू करना? देखिए इसमें बहुत बड़ा चैलेंज था, हमने धीरे धीरे करके इसको बहुत इम्प्रूव किया है। पहले इसमें इतना नहीं था, बाद में धीरे धीरे करके हमने काफ़ी ज़्यादा इसमें इम्प्रूव किया है, टाइल बनाने में किया है, मशीनरी में किया है। मशीनरी पहले इतनी अच्छी नहीं हुआ करती थी, लेकिन आज मैंने इसको बहुत ही अच्छी क्वालिटी दे रखी है, जिससे कि हमारी जो टाइलें हैं बहुत ही अच्छी, एक सुपर क्वालिटी की टाइलें निकलती हैं इस मशीनों पर। और जो मेरे ख्याल से उस समय इतनी अवेयरनेस भी नहीं थी, पेवर्स ब्लॉक जानते भी नहीं थे, बिल्कुल नहीं थे। अब इसमें क्या है कि गवर्नमेंट का भी बहुत अच्छा वो है सहयोग कि गांव गली मोहल्लों में आजकल इंटरलॉकिंग टाइलें अप्रूव कर दी हैं गवर्नमेंट ने, और इससे हमारे जो पर्यावरण है उसको भी बड़ा अच्छा हो रहा है, पानी कम से कम जमीन के नीचे तो जा पा रहा है। बिल्कुल इसमें बहुत अच्छा है, और बिजनेस ये कि ये इतना बढ़िया बिजनेस है, गांव में लोग जो है बिजनेस के लिए तरसते, तो गांव-गांव में ये बिजनेस लग रहा है आजकल, और जो बेरोजगार लोग हैं वो इसको बहुत अच्छे से पकड़ रहे हैं और ये बिजनेस धीरे धीरे बहुत अच्छा बढ़ता जा रहा है। दोस्तों सरकार सपोर्ट करती है, ग्राम प्रधान जो होते हैं, पंचायत होती हैं, वो भी चाहते हैं कि हमारे गांव में भी विकास हो, कस्बों में विकास हो। इतनी ज़बरदस्त बात है, मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है खान साहब से मिलके, कि जो जब देश में ना टेक्नोलॉजी थी, ना मशीनें थी, ना कारखाने थे इस तरह के मशीनें बनाने के, आपने बड़ी जद्दोजहद करी और बहुत स्ट्रगल करके आप यहाँ तक पहुँचे हैं, जो एक बड़ा नाम कमाया HP टायर्स ने। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपने जो मेरे से बात की, थैंक यू सर। थैंक यू। तो दोस्तों आपने खान साहब को सुना कि देश में जब शुरुआती दौर में कितना स्ट्रगल था, लोग जानते ही नहीं थे कि पेवर्स ब्लॉक क्या होते हैं, अब तो इतना सब लोग जानते हैं और हर जगह इसकी इतनी ज़बरदस्त डिमांड है। तो पहले तो मैं सल्यूट करता हूँ खान साहब को कि जिन्होंने, मतलब जो शुरुआती दौर के लोग थे उनमें वो भी शामिल हैं, और बड़ा अच्छा लगता है जब आप अपनी इंडस्ट्री को इसलिए, क्योंकि जो कंस्ट्रक्शन है बड़ी सकारात्मक सोच होती है, बड़ी पॉजिटिव वाइब्स आती हैं जब घर बनता है, चाहे वो हमारी सड़कें बने हमारे घर के आगे, चाहे हमारा समाज मोहल्ला में कोई कंस्ट्रक्शन का काम हो, एक बहुत अच्छी फीलिंग आती है। तो खान साहब को एक तो सल्यूट करता हूँ, दूसरी बात मैं पूछता हूँ सर कि जो अगर आप जो ये काम कर रहे हैं, किस तरह की मशीनें होती हैं आपकी, जो बाकी लोगों की मशीनें हैं उनसे कैसे अलग हैं, क्या मतलब, क्योंकि खान साहब का ज़माना था तब से लेके अब तक आपने बहुत उन्नति की है, टेक्नोलॉजी आपने बहुत बढ़ाई है आगे, क्या अंतर है सर? सर देखिए सबसे पहले मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि ये जो टाइल्स थी पहले हाइड्रोलिक बेस थी, हाइड्रोलिक यानी कि जो कंप्रेस करके बनाई जाती थी, जिसके अंदर आपके कुछ भी आप रॉ मटेरियल्स अगर आप डालते हैं, जैसे जो रिवर सैंड होता है या रेता जिसको बोलते हैं हम, रेते को आप डाल के प्रेस करके और आप जो एक टाइल बनती है वो एक अनफिनिश टाइल होती थी, जिसके अंदर कोई फिनिशिंग नहीं, कोई किसी भी तरीके की मतलब उसमें प्रॉब्लम्स ही रहती थी। लेकिन अब मतलब जैसे जैसे जनरेशन चेंज हो रही है, तो आने वाले टाइम में और जो अब चल रहा है उसमें हमने कुछ नई चीज़ें हम लेके आए, जैसे कलर्स पेवर ब्लॉक्स।
कलर्स के अंदर आप ग्रीन, ऑरेंज, ब्लू, जो भी आप कलर चाहते हैं वो कलर आप अपनी इस मशीनरी के ऊपर बना सकते हैं। और कैसी भी डिजाइन, कैसा भी डिजाइन, 100+ डिजाइन हमारे पास अवेलेबल हैं सर, सारी डाइज अवेलेबल हैं उनकी। वाओ, तो ये जो मशीनों का सेटअप होता है, कितनी मशीनें होती हैं सर इस सेटअप में, जरा मुझे मेरे दर्शकों के लिए बताइए। सर देखिए, जैसे मैं आपको बताता हूँ, अभी सर ने, शैलेश जी ने जो बताया कि 1,99,000 का एक प्रोजेक्ट हम आपको दे रहे हैं, ठीक है। अब उसके अंदर हम आपको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं वो बता देता हूँ। हम उसके अंदर एक वाइब्रेशन टेबल, प्लीज़ थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, एक वाइब्रेशन टेबल, एक कलर मिक्सर, एक कॉन्क्रीट मिक्सर, ठीक है। और इसके अंदर अब आपको 2000 मोल्ड्स, जो प्लास्टिक के सिलिकॉन मोल्ड्स होते हैं जिसकी हमारी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है, वो हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। और प्लस एक ड्रम केमिकल जो हार्डनर्स होते हैं, जो पेवर ब्लॉक्स में डाले जाते हैं, ठीक है। वो ये एक पूरा पैकेज है, ये 1,99,000 के अंदर, इसमें GST एंड ट्रांसपोर्टेशन एज पर आपकी डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस है उसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एक्स्ट्रा है। और जो GST 18% लगता है, जो हमारे सारे प्रोडक्ट्स हैं उन पे 18% आपका GST लगता ही लगता है, 18% दोस्तों। तो सर इसके अलावा मैं देख रहा हूँ कि 2,49,000 का भी ऑफर आपने दिया है, वो क्या ऑफर है वो भी जल्दी जल्दी बता देते हैं हमारे दर्शकों। बिल्कुल बिल्कुल सर, देखिए 2,49,000 के अंदर आपकी वाइब्रेशन टेबल दो हो जाएंगी 2,49,000 के, जी जी, 2,49,000 के अंदर आपको 2,49,000, इसके अंदर आपको दो वाइब्रेशन टेबल हो जाएंगी, एक कलर मिक्सर, एक कॉन्क्रीट मिक्सर, और इसमें 3,000 पीसेज हो जाएंगे, यानी कि इसमें मोल्ड्स की क्वांटिटी बढ़ गई। और आपको इसके अंदर दो ड्रम केमिकल, पिछले वाले ऑफर के अंदर एक ड्रम केमिकल, इसके अंदर दो ड्रम केमिकल, आपको हमने इसके अंदर और थोड़ा सा अपग्रेड कर दिया है। ओनली सिर्फ 50,000 आपने एक्स्ट्रा दिए हैं, इसके अंदर ये सारी चीज़ें आपको एक्स्ट्रा हो गई हैं, यानी कि प्रोडक्शन कैपेसिटी आपकी बढ़ गई है। तो ऐसे ही धीरे 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 आपका अमाउंट बढ़ता जाएगा और ये आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी, आपकी जो मशीनरी, मोल्ड्स, इनकी क्वांटिटी धीरे धीरे ऐसी बढ़ती जाएगी। तो इसके बाद जैसे 2,99,000 है, इसके बाद आपका 3,49,000 है, तो ऐसे ही धीरे धीरे ये सारी चीज़ें आपकी अपग्रेड होती जाएंगी। तो मैं आपको ये लिस्ट प्रोवाइड करवा देता हूँ, आप इसको हमारे व्यूअर्स को दिखा सकते हैं सर। दोस्तों मैं आपको ये लिस्ट दिखा रहा हूँ और आप देखिए मशीनों का सेटअप कैसा होता है, किस तरह की मशीन होती है, मतलब मैं तो ताज्जुब में रह गया कि इतनी फौलादी मशीनें, जैसे मैं कहता हूँ कि जो ये बना रहे हैं मैंने देखा है। अब एक बार मैं चाहता हूँ कि खान साहब, आप हमारे जो दोस्त हैं यूट्यूब पे, मेरे जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं, दर्शक हैं, उनको भी आप ये पूरी फैक्ट्री दिखाएं सर, अपना कारखाना दिखाएं, तैयार हैं सर आप दिखाएं? बिल्कुल शैलेश जी, अभी आप चलते हैं एक बार मेरी अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जहाँ हम ये सारी चीज़ें बना रहे हैं, बिल्कुल यहीं इस एक ही स्पॉट पे इसको तैयार कर रहे हैं, यही सब चीज़ें आपको अभी लाइव दिखाएंगे हम, लाइव वीडियो। चलिए एक बार स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल शैलेश जी, ये हमारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और स्टॉक है। आप देखेंगे जैसे हमारे लेफ्ट साइड में ये हमारा वाइब्रेशन टेबल का स्टॉक है, इसमें सारे मॉडल्स लाइक छोटे से लेके बड़े तक अवेलेबल है। जैसा कि मेरे राइट साइड में आप देख सकते हैं, इधर ये पैन मिक्सर है, पैन मिक्सर में छोटे से लेके बड़े मॉडल सब अवेलेबल हैं, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं अंदर जहां हमारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जहां पे ये मशीनें तैयार होती हैं। आई सेले जी, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने पैन मिक्सर से। ये पैन मिक्सर मशीन है, जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें सबसे हैवी वेल्डिंग हम यूज़ कर रहे हैं, वेल्डिंग रॉड बहुत हैवी यूज़ कर रहे हैं, और जो इसके अंदर वेल्डिंग करी जा रही है, जो इसके टाँके होते हैं वो बहुत हैवी करके लगाए जाते हैं, जिससे कि जिस टाइम पे ये मिक्सर चलता है उस टाइम पे किसी भी तरीके की टूटने की या किसी भी तरीके की कोई शिकायत ना आए। तो ये सारी चीज़ें आप देख रहे हैं, ये लाइव आप देख रहे हैं सारी चीज़ें कि किस तरीके से हमारे जो इंजीनियर हैं उसको बना रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर एक गियर बॉक्स लगा हुआ है, ये बहुत हैवी ड्यूटी गियर बॉक्स है, ये इतना हैवी है कि इसके अंदर खूब अच्छे से हम लोड करके मटेरियल अगर चलाएं, हैवी मटेरियल चलाएं, तब भी ये बहुत अच्छा चलेगा। देखिए शैलेश जी, ये हमारा गियर बॉक्स है, ये गियर बॉक्स बहुत हैवी है, बहुत हैवी ड्यूटी है, इसके अंदर 100 से 150 kg तक आप इस मटेरियल को घुमा सकते हैं इसके अंदर। देखिए शैलेश जी, ये हमारी वाइब्रेशन टेबल है, जैसा कि आप देख रहे हैं हमने इसको बहुत हैवी करके बनाया हुआ है, हैवी ड्यूटी टेबल है ये, ठीक है। जैसे आप देख रहे हैं इसमें बहुत हैवी चैनल्स लगे हुए हैं, बहुत हैवी पत्तीज लगी हुई हैं जो 8 mm थिकनेस में है, ठीक है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये अपना जो भी वेल्डिंग्स चल रही हैं इसके अंदर वो ट्रिपल लेयर के अंदर करते हैं हम, जिससे कि जो इसमें वाइब्रेशन होती है
वो 2880 आरपीएम की मोटर के साथ होती है, ठीक है। जैसे जब वाइब्रेट होती है उस टाइम पे सबसे ज़्यादा शिकायत इसको टूटने की, इस तरीके की शिकायत सबसे ज़्यादा आती है। लेकिन हम इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं कि इसके अंदर ऐसी कोई दिक्कत ना आए, कोई एंगल ना टूटे, कोई पत्ती ना टूटे, इस तरीके की सारी चीज़ें, कभी आपको शिकायत इस तरीके की नहीं मिलेगी। देखिए शैलेश जी, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। इस वाइब्रेटर की सबसे मेन पॉइंट, जो सबसे मेन पॉइंट है वो है इसके होल। इस होल के बिना ये वाइब्रेटर टेबल बिल्कुल अधूरी है। ये होल अगर होंगे तभी आपकी वाइब्रेट बहुत अच्छी काम करेगी, ठीक है। इस होल का मेन पॉइंट आपको बताता हूँ क्या है। इसका रोल ये है कि ये अगर नहीं होगा तो जो हमारी टाइल्स बनती है, जो मोल्ड्स के अंदर एयर जाती है जिस टाइम हम इसको फिलअप करते हैं, जिस टाइम पे चलेगा, अगर ये होल नहीं होंगे तो ये सारे जितने भी बबल्स हैं वो नहीं निकलेंगे, वो रिलीज़ बिल्कुल नहीं होंगे, जिससे आपकी टाइल्स नहीं बनेगी, आपकी जो स्ट्रेंथ आएगी टाइल्स की वो बिल्कुल नहीं आ सकती। जी बहुत बड़ी बात बताई है शकील खान साहब ने। दोस्तों ये जो होल्स हैं इस पूरी शीट में आप देख रहे हैं वाइब्रेशन टेबल की, और ये दोनों वाइब्रेशन टेबल्स में होल्स होते हैं, उसका पर्पस जो बता रहे हैं शकील खान साहब वो ये बता रहे हैं कि जब आपका मोल्ड होता है जिसमें आप गारा यानी कि जो मटेरियल भर के आप यहाँ रखते हो और वो वाइब्रेट होकर धीरे 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 आगे बढ़ता है, तो उसमें जो एयर है वो इन होल्स की वजह से उसमें सक्शन होता है, वैक्यूम बनता है, और वो एयर जो है जो होल्स के अंदर, जो गारे के अंदर जो एयर होती है, जो मटेरियल के अंदर एयर होती है, वो गैस रिलीज़ होती है, एयर रिलीज़ होती है, और वो मटेरियल अच्छे से सेटल डाउन हो जाता है। अगर वो ये होल्स नहीं होंगे तो शकील खान साहब जो कहना चाहते हैं वो ये कहना चाहते हैं कि उसमें जो आप देखते हो छोटे छोटे पिन होल्स, हल्के हल्के गड्ढे दिखते हैं आपको, अगर कोई आप कुछ पेवर ब्लॉक्स ऐसे होते हैं जिनकी फिनिशिंग नहीं होती, तो इन होल्स से फिनिशिंग आती है प्रोडक्ट में, तो आपके जो ब्लॉक्स बनेंगे एकदम नीट एंड क्लीन बनेंगे। मैं सही कह रहा हूँ शिकिल? बिल्कुल, दैट्स राइट एकदम। दूसरी बात यह है कि जब ये होल्स नहीं होंगे और वाइब्रेशन होगा तो इतनी बड़ी जो ये पत्तियाँ लगी हैं इनमें, इन होल्स की वजह से जब ये हीटअप भी हो जाती है मान लीजिए, तो इसमें एक्सपेंशन होता है तो पत्तियाँ फट सकती हैं, टाके टूट सकते हैं, तो इन होल्स की वजह से वो जो एक लॉस हो सकता है वो लॉस भी नहीं होगा। मैं सही कह रहा हूँ सर? बिल्कुल बिल्कुल सर, एकदम सही कह रहे हैं एकदम जी। ये बहुत सही चीज़ बताई है इन्होंने, तो इस तरीके की प्रॉब्लम आपको आगे ना आए, तो इसलिए हम ये सारी चीज़ें पहले ही करके देते हैं। चले जी, जैसे आप देख रहे हैं ये जो हमने एक्स्ट्रा इसमें पार्टिकल्स रह गए हैं, जो एक्स्ट्रा वेल्डिंग जो हो गई है हम उसकी क्लीनिंग करवा रहे हैं। कोई भी मशीन को क्लीन करवा के प्रॉपर नहीं देता, हम इसको वेल फिनिश करके देते हैं। जैसे आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा वेल्डिंग के डॉट्स रह गए हैं काफ़ी सारे, तो हम इनको प्रॉपर क्लीनिंग करके देंगे इस तरीके से, जिससे स्मूथली एकदम पेवर ब्लॉक जो बिल्कुल बिल्कुल जो इससे मोल्ड चलेगा वो बहुत स्मूथ एकदम चलता हुआ चला जाएगा एकदम। आइए शैलेश जी, मैं आपको मेरा हार्डनर का प्रोजेक्ट दिखाता हूँ। हार्डनर केमिकल, इसके बिना इंटरलॉकिंग टाइल्स बिल्कुल नहीं बन सकती। इस केमिकल की हमारी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है, हम ये केमिकल खुद यहीं मैन्युफैक्चर करते हैं। जो इसके अंदर रॉ मटेरियल्स डाले जाते हैं वो बहुत ही हाई क्वालिटी के केमिकल्स होते हैं। इसके अंदर जैसा कि आप देख रहे हैं, सर्दियाँ हों गर्मियाँ हों किसी भी तरीके की, जैसे हमारे शिमला में या जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है, ठीक है, उस जगह टाइल्स जमने की बहुत ज़्यादा शिकायत आती है, सर्दियों में शिकायत बहुत ज़्यादा आती है, वो किसी भी जगह अगर है और टाइल्स नहीं जम रही हैं तो हमारे HP के केमिकल से वो टाइल ज़रूर जमेगी, बिल्कुल गारंटीड जमेगी, और उसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। ये भी एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसको आप स्टार्ट कर सकते हैं, ये कहीं पे भी किसी भी गांव में किसी भी सिटी के अंदर आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। इस प्रोजेक्ट को इंस्टॉल करवाने में हम आपकी पूरी मदद करते हैं, हर तरीके से हम आपको पूरा प्लांट ये इंस्टॉल करवा कर देंगे। इसके अंदर आपको मशीनरी, फॉर्मुलेशन, ये सारी चीज़ें हम प्रोवाइड करवाएंगे। देखिए शैलेश जी, आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ये टेबल्स बाहर आ चुकी है, इसके ऊपर फाइनल पेंट टचअप चल रहा है। जैसे कि आप देख रहे हैं ये सामने आपके पेंट होके तैयार खड़ी हुई है टेबल। इस पेमेंट के प्रोसेस के बाद ये टेबल हमारे स्टॉक के अंदर जाएगी। जैसा कि आप देख रहे हैं पीछे हमारा स्टॉक है लगा हुआ पूरा, जहाँ से आपकी फाइनल मोटर्स लगने के बाद ये सीधी लोडिंग के लिए
चली जाएगी। देखिए शैलेश जी, ये हमारे रेडी टू स्टॉक एकदम जो पैन मिक्सर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बाद, पेंट प्रोसेस के बाद ये यहाँ पे स्टॉक लगा दिए गए हैं। ये स्टॉक हमारे पास 20 प्लस में हमेशा पैन मिक्सर रेडी मिलते हैं, कंक्रीट मिक्सर हमेशा रेडी में मिलते हैं। सीधा अब मोटर लगाया, इंस्टॉल करी मोटर और सीधा गाड़ी में लोड करवा दिया। देखिए शैलेश जी, ये पैन मिक्सर है, इसमें सबसे पहले जो स्टार्टिंग में पेस्ट बनता है वो पेस्ट इसी में बनता है। इसमें सीमेंट, बालू और आपका जो हार्डनर केमिकल है, कलर है, वो यूज़ होता है। इसके अंदर जो पेस्ट बनेगा, मेन जो आपकी क्वालिटी रहेगी वो इसी पे ही डिपेंड करेगी। आप देख सकते हैं, जैसे ये हमने एक पेस्ट बनाया है, ये पेस्ट ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए। इसके बाद हम इसके अंदर कुछ लेयर मोल्ड्स में इस तरीके से भर देंगे, देन उसके बाद जब हम ये वाइब्रेट करेंगे तो ये ऑटोमेटिक चलता हुआ इस कोने से उस कोने तक चलता हुआ जाएगा। देन इसके बाद हम क्या करेंगे, ये हमारा सपोर्टिंग टेबल है, ये वाइब्रेटर है, ये हमारा कंक्रीट पैन मिक्सर है, ठीक है। इसके बाद हम देन इसको फिलअप करेंगे कॉन्क्रीट। इसके अंदर कॉन्क्रीट फिलअप करने के बाद ये कॉन्क्रीट हमारी इस तरीके से टाइट होनी चाहिए, जो इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये इस तरीके से लड्डू टाइप बन जानी चाहिए। उसके बाद देन हम इसको फिलअप करने के बाद देन इस वाले वाइब्रेटर के ऊपर रख के हम इसको रन कर देते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कितनी ज़बरदस्त कारखाना है, इतनी मतलब 20 वाइब्रेशन टेबल्स एक साथ लाइन में हर समय रहती हैं, 20 कलर मिक्सचर जो होता है वो हर समय रहते हैं कम से कम, मतलब बहुत बड़ी फैक्ट्री है। और पेवर्स ब्लॉक का मतलब जो पीवीसी और जो इंजेक्शन मोल्ड से बनते हैं, जो पीवीसी और प्लास्टिक के मोल्ड्स पेवर्स ब्लॉक के, मतलब मैं तो देख के दंग रह गए, इतनी बड़ी स्टोरेज। मैं आपको बताऊँ दोस्तों कि जो अगर आप ये कारोबार करना चाहते हो तो ये आपने ऑफ़र सुने, मैं चाहता हूँ आप अभी अगर आगे वीडियो देखना चाहें बहुत अच्छी बात है, पर अगर आपको लगता है कि अभी आपको ज़रूरत है बात करने की शकील खान साहब से, तो मैं आज खान सर आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, पहले मेरे दर्शकों के लिए अपना कॉन्टैक्ट नंबर बताएं और एड्रेस बताएं कि जो अगर आप विज़िट करना चाहें कोई तो। बिल्कुल बिल्कुल शैलेश जी, मैं आपको सबसे पहले मैं अपना एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। शकील खान मेरा नाम है, HP टाइल मशीनरी मेरे ब्रांड का नाम है। मैं आपको कॉन्टैक्ट नंबर बता देता हूँ, 9873747284, ये डायरेक्ट मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, ठीक है। मेरी सेल्स टीम है, मैं उनके हेड का नंबर दे देता हूँ, 9991121621। और जो मेरी कंपनी का एड्रेस है वो विलेज सोरखा, सेक्टर 115 नोएडा में अवेलेबल है हमारी कंपनी जी। तो दोस्तों, आप चाहें तो शकील खान साहब की HP टाइल्स मशीनरी में विज़िट कर सकते हैं, नहीं तो आप उनकी जनरल मैनेजर जो सेल्स देखते हैं मिस्टर आरिफ खान साहब, यही नाम है सर? जी जी बिल्कुल, मैं आपको उनसे भी मिलवाऊंगा अभी जल्दी, आप उनको भी डायरेक्ट बात कर सकते हैं, सर ने अपना नंबर तो दिया ही है। तो सर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो अगर पेवर्स ब्लॉक होते हैं जी, ये जो पेवर्स ब्लॉक होते हैं ये आप खुद बनाते हैं, या जो मैंने देखा है आपकी पूरी फैक्ट्री सेटअप जो इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन है वो आपकी खुद की है, आप ये सब प्लास्टिक और पीवीसी क्या करते हैं सर? सर देखिए, मैं बता देता हूँ, जो प्लास्टिक मोल्ड्स जो जो इंजेक्शन मशीन होती है, इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन बोलते हैं उसको, वो हमारी खुद की लगी हुई हैं। और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि एक उसके प्रोजेक्ट को आप हमारे देखिए, और हम खुद की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, किसी से कुछ नहीं लेते। अगर किसी से कुछ लेंगे तो सर क्वालिटी में इम्प्रूव नहीं होगा, दूसरे पे डिपेंड हम नहीं रह सकते, हम खुद की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, A to Z प्रोडक्ट हमारे यहीं बनते हैं हमारे। तो मैं एक बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, हमें वो भी दिखा दें। बिल्कुल बिल्कुल, आप एक काम करिए, आप चलिए मेरे साथ, मैं आपको एक बार हमारी जो इंजेक्शन मोल्डिंग वाली मशीन है वो आपको विजिट करवाते हैं जी। चलिए देखिए शैलेश जी, ये सिलिकॉन PVC रबड़ मोल्ड्स हैं, बहुत हाई क्वालिटी हाई डेंसिटी रबड़ होती है ये, इसकी लाइफ मिनिमम 4 to 5 ईयर मिनिमम होती है, बहुत अच्छी क्वालिटी की
और बहुत ज़्यादा लॉन्ग लाइफ चलने वाली जो मोल्ड्स होते हैं वो यही होते हैं। इसके अंदर बहुत सारे डिज़ाइंस, जितनी भी क्वांटिटी, चाहे वो 100 की हो या 10,000 की हो, कितनी भी आप क्वांटिटी चाहते हैं वो आपको क्वांटिटी HPTL में अवेलेबल है। देखिए सैले जी, ये सिलिकॉन प्लास्टिक मोल्ड्स है जिसकी मैन्युफैक्चरिंग खुद हम करते हैं। इसके अंदर आप पीछे देख सकते हैं मेरे पूरा स्टॉक है मेरे पास, और एनी टाइम मेरे पास 50,000 मोल्ड्स ऑलवेज रेडी रहते हैं, रेडी टू स्टॉक में होते हैं। आप आएँ और डायरेक्ट गाड़ी लोड करवा के लेके जाएँ साथ के साथ। मेरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो प्लास्टिक मोल्ड सिलिकॉन मोल्ड्स की जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, हम उस यूनिट में आपको लेके चलते हैं और वहाँ आपको दिखाते हैं कि ये कैसे मोल्ड्स बनते हैं। जो इंजेक्शन मोल्डिंग्स होती हैं उसके अंदर हमारी जो मास्टर डाई होती है उससे ये पीस कैसे बनते हैं, मैं अपनी इंजेक्शन मोल्डिंग के बारे में आपको बता देता हूँ। ये देखिए, ये सामने जो मशीन है आप देख रहे हैं, इसके अंदर मोल्ड्स निकल रहा है बाहर, और इस तरीके से ये निकलता है, मोल्ड बनता है। ये जो हमारे वर्कर्स हैं इस तरीके से इसको रिमूव करते हैं, और ये स्टॉक आपने देखा है, पीछे स्टॉक देख रहे हैं, और ये आपने जो मोल्ड्स पे हमारा लोगो देखा, मेन जो लोगो है इसकी बात होती है, ये लोगो HP का लोगो है हमारा, यानी कि ये दिखाता है कि ये हमारी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है। तो दोस्तों, इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में किस तरह से बन रही हैं ये सब PVC मोल्ड्स, ये प्लास्टिक मोल्ड्स आपने देखा। मतलब अब मैं चाहता हूँ कि जो शकील खान साहब हैं वो आपको बताएं कि कैसे ये जो मोल्ड्स हैं, इतने सुंदर, इतने प्यारे मोल्ड्स हैं, इतनी ज़बरदस्त फिनिशिंग लश्चर के साथ में, जो अगर हमारे फुटपाथ पर बिछते हैं ये, तो कितना सुंदर लगता है। मतलब ह्यूमन बीइंग में जो आर्टिस्टिक एक होता है ना नेचर, वो हमेशा होता है, जो हम अपने परिदृश्य को हमेशा सुंदर बनाते हैं। तो ये इसके बारे में मैं चाहता हूँ कि एक आपको एक डेमो दे दें कि कितनी तरीके के ये PVC मोल्ड्स हमारे पास हैं, फिर मैं आपको उनकी जो सेल्स टीम के हेड हैं उनसे भी मिलवाऊंगा। तो सर, ये डेमो देने के लिए आप तैयार हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बता देता हूँ सैलेश जी, हमारे पास कई सारे डिज़ाइंस अवेलेबल हैं, जैसे कि रेगुलर डिज़ाइंस जो अवेलेबल होते हैं वो मे बी मैक्सिमम 10 होते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास 100+ डिज़ाइंस प्लास्टिक के अवेलेबल हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास बहुत सारी क्वालिटीज़, बहुत सारे डिज़ाइंस अवेलेबल हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे 100+ डिज़ाइंस हमारे पास अवेलेबल हैं प्लास्टिक मोल्ड्स के। PVC मोल्ड्स में कई तरीके के हमारे पास मोल्ड्स अवेलेबल हैं। आप जैसे देख रहे हैं मेरे पीछे की तरफ, ये हमारे पास सारी जितनी भी डिज़ाइंस हैं, या चेकर टाइल्स हो या कोई भी हो, सारा ये सारी चीज़ें हमारे पास बिल्कुल हर टाइम अवेलेबल है। तो दोस्तों, इतनी तरह के जो इंटरलॉकिंग टाइल्स हैं, मतलब मज़ा आ गया। सबसे बड़ी बात है कि इन टाइल्स में आप कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से जैसी चाहें वैसी डिज़ाइन आप बना सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सर, अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो मशीनें हैं वो जी, एक तो विज़िट कर सकते हैं, आपको कॉल कर सकते हैं, कैसे खरीद सकते हैं? मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो दूर दराज में बैठे हैं, कोई नॉर्थ ईस्ट में बैठा है, सिक्किम में बैठा है, कोई अरुणाचल में बैठा है, कोई डाउन साउथ अगर हम बात करें तमिलनाडु में बैठा है, केरला में बैठा है, J&K में बैठा है, तो ये इतनी दूर दूर से आना कई बार संभव नहीं होता। तो उस केस में क्या करते हैं आप? जो हमारे यहाँ विज़िट नहीं कर सकते वो वहाँ से वीडियो कॉलिंग के द्वारा हमारी फैक्ट्री को विज़िट कर सकते हैं, और वहीं से आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। कुछ एडवांस देके आप ये बता सकते हैं कि मेरे को उस दिन गाड़ी मेरी लोड चाहिए, और अपना पेमेंट करें, जो रेस्ट अमाउंट है वो पेमेंट करें, और अपना गाड़ी यहाँ से रिलीज़ हो जाएगी जी। और एक चीज़ मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, कई हमारे क्लाइंट्स कुछ ऐसा होता है कि हाफ पेमेंट हम यहाँ कर दें और हाफ पेमेंट वहाँ कर दें, तो ये हमारा जो प्रोसेस है वो बिल्कुल क्लियर है कि 100% पेमेंट क्लियर होने के बाद यहाँ से गाड़ी हम रिलीज़ करते हैं जी। दोस्तों, ये बहुत रिलायबल HP टाइल्स मशीनरी, बहुत रिलायबल बिजनेस हाउस है, कोई एक समय से, एक साल से नहीं कर रहे हैं, कितने 20 साल हो गए। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो आप देखिए, आपको अगर ये बिज़नेस अच्छा लगता है तो आपस में बात करिए, और अगर आपको लगता है कि आप आ सकते हैं तो आइए, क्योंकि जो पर्सनल रेपो होता है, जो जानकारी आपको विज़िट करने से मिल सकती है, उसका कोई तोड़ नहीं है। लेकिन अगर आप नहीं आ सकते तो जैसा सर ने आपको ऑप्शन दिए हैं, ये ऑप्शन भी आप ट्राई कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि हमारे जो आपके जनरल मैनेजर साहब हैं उनसे आप मिलवाएं हमें, जो हमें इनकी आफ्टर सेल्स वारंटी और बाकी सर्विसेज के बारे में बता सकें। बिल्कुल बिल्कुल।
हाय दोस्तों, सेल्स रिलेटेड, सर्विस रिलेटेड, क्वालिटी रिलेटेड कोई भी आपका सवाल है, कोई भी आपको जानकारी चाहिए, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इस नंबर पर 9999121621। मैं HP टाइल मशीन में वेल ट्रेंड टीम के साथ, एजुकेटेड टीम के साथ आपकी सेवा में हाजिर हूँ। कभी भी कोई भी क्वेरी है किसी, मैंने जो आपको कंटेंट बताया तीनों सेल्स, सर्विस एंड क्वालिटी से, एनी टाइम मेरे को कॉल कर सकते हैं। नंबर मैंने आपको बता दिया है, 24 घंटे मैं कभी भी आप मेरे को कॉल कर सकते हैं। दोस्तों, आपने देखा आरिफ खान साहब मतलब आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए अपनी टीम के साथ मुस्तैद हैं। आप उनसे तुरंत फ़ोन मिलाइए और बात करिए अगर आपको लगता है। फिर भी मैं ये सबसे बड़ा सवाल जो आपके मन में होगा कि कैसे ये हो सकता है कि 1,99,000 रुपये में इतनी सस्ती मशीनें आपको मिल जाएं, तो इसके बारे में मैं ज़रा पूछ लेता हूं कि कैसे आपने ये स्ट्रक्चर्स बनाए। सर, लोग तो इसको कहते हैं 10-10 लाख रुपए लगेंगे, ये शेड चाहिए, वो जगह चाहिए, 10 लाख से कम में ये व्यवसाय हो नहीं सकता, कि ये सच बात है? कहीं ऐसा तो नहीं या आपके ऑफ़र हो जाए और बाद में कहो कि नहीं सर इतने में नहीं होगा, आप और पैसा लाइए? नहीं 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 सर, देखिए शैलेश जी, मैं आपको एक चीज़ क्लियर करता हूँ इसके अंदर। जो हमने आपको जो रेट्स दिए हुए हैं, ये बेसिकली एक मशीनरी, मोल्ड्स और हार्डनर्स, इस जो ये प्रोजेक्ट है इसके रेट्स हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो आपके लगने वाले पैसे हैं, जैसे सबसे पहले एक जो सबसे मेन जो ज़रूरी होता है, ये होता है टीन शेड और जो हमारा वर्किंग एरिया है। अब कई हमारे क्लाइंट, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, आप इसको थोड़ा समझना। सबसे पहले शेड एरिया, जितना आप शेड एरिया, कई लोग क्या करते हैं उस शेड एरिया के अंदर इतना पैसा लगा देते हैं कि वो किसी काम का नहीं है आपके। सर बिल्कुल आपको ऐसा नहीं करना है, आपको सिंपल एक 20 फीट बाई 20 फीट का, और बहुत ज़रूरी नहीं है कि आप लोहे पे या बहुत उस पर स्ट्रक्चर पे उसको बनाओ, शेड की जगह बैम्बू शूज़ कर सकते हैं सर। बहुत अपना जो शेड्स हैं वो बैम्बू पे कर सकते हैं, बहुत आसान है। छप्पर पड़ते हैं गांव में, वैसे छप्पर के शेड्स बना सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपका शेड देखने कोई भी नहीं आएगा, आपकी क्वालिटी देखने हर कोई आएगा। ठीक है, ऐसे पेवर्स ब्लॉक बना रहे हैं उसकी क्वालिटी मैटर करती, शेड मैटर नहीं करता है। बिल्कुल, इन कंडीशंस में काम कर रहे हैं, किसी को इससे इंटरेस्ट नहीं है, वो आपकी ज़रूरत अपनी सहूलियत के हिसाब से बनाइए। दूसरा कैसे कॉस्ट कटिंग कर रहे हैं सर? देखिए, जैसे कई लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी में बहुत हैवी कनेक्शन ले लिया जी, 15 किलोवाट का कनेक्शन चाहिए हमें। सर बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आपको 8 किलोवाट का, 8 किलोवाट का एक इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन चाहिए, वो भी थ्री फेज कनेक्शन इसमें मैंडेटरी है, क्योंकि हैवी वर्क के लिए ये 3 फेज का कनेक्शन लेना होगा, इंडस्ट्रियल कनेक्शन। ठीक है, और दूसरा कॉस्ट कटिंग हम कहाँ करेंगे? कई लोग जिनको जानकारी नहीं है, वो अपने जगह के अंदर, उस एरिया के अंदर, वर्किंग एरिया में टैंक्स बनवा देते हैं, जो वाटर क्यूरिंग के टैंक्स हैं वो बनवा देते हैं, और उनमें आपका बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो जाता है। तो इसके अंदर ऐसा कोई भी आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, सिंपल जो टाइल्स बनी है उसको आपको बाहर खुले में रखना है और आपको डायरेक्ट क्यूरिंग करनी है, जैसे हम पेड़ पौधों में क्यूरिंग करते हैं जी, तो इस तरीके से आपको करनी है। तो यहाँ पे एक आपका कॉस्ट कटिंग हो गया बिल्कुल, आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, कोई टैंक नहीं बनाना। इसके बाद आ जाते हैं सर जनरेटर पे। जनरेटर एक इमरजेंसी सेवा होती है, जैसे सपोज आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, आपका पैन मिक्सर में मटेरियल मिला हुआ है, आपके कंक्रीट मिक्सर में मटेरियल मिला हुआ है, ठीक, और सडनली उस कंडीशन पे लाइट चली जाए, तो उस कंडीशन पे आपको जनरेटर की ज़रूरत पड़ेगी। ये सर ऑन इमरजेंसी है, अगर आप चाहते हैं तो रख सकते हैं, नहीं चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन ये सर अगर आप रखेंगे तो आपके लिए बेनिफिट है, नुकसान से आप थोड़ा सा बच जाएंगे, ठीक है। इसके बाद आ जाता है लैंड एरिया। कई लोग क्या करते हैं जी, बहुत बड़ा एरिया ले लिया, फिर उसकी बाउंड्री करवा रहे हैं और उसकी सारी, तो सर बिल्कुल नहीं करना है कुछ भी। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 500 स्क्वायर मीटर की जगह, 500 मीटर की स्क्वायर मीटर जगह शैली जी, इतनी ही चाहिए और नहीं चाहिए बिल्कुल भी। और मैक्सिमम 20 फीट बाई 20 फीट का टीन शेड मैक्सिमम है। अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा सा मेरे को प्रोडक्शन ज़्यादा आगे बढ़ाना है फ्यूचर में, तो आप थोड़ा सा 30 फीट बाई 30 फीट का कर सकते हैं जी, ठीक है। इसके बाद एक छोटी सी एक चीज़, और जो वर्कर्स हैं, कई लोग जिनको जानकारी नहीं होती वर्कर्स के बारे में, वो क्या करते हैं, वो वर्कर्स 10, 12, 15 वर्कर्स लाके और अपना प्रोडक्शन स्टार्ट करते थे, जिसमें उनका नुकसान स्टार्ट होना लाजमी है, वो हो गई होगा जी जी। क्योंकि सर देखिए, जितने ज़्यादा वर्कर्स आपके पास, मोल्ड्स कितने, डिपेंड करता है कि आपके पास मोल्ड कितने हैं, उस हिसाब के पास आपके पास वर्कर होने चाहिए। तो दोस्तों, आपने देखा कि कैसे कॉस्ट कटिंग की जाती है, बिजनेस इसी का नाम है, पैसा
कमाना है, गंवाना नहीं है। तो दोस्तों इसीलिए मैं आपको लेकर आया शकील खान साहब के पास कि जो आपको इतनी डिटेल, क्योंकि जब मेरी फ़ोन पे बात हुई तो साहब ने कहा मेरे पास अच्छे ऑफर्स हैं, आप ज़रूर मेरे यहाँ एक बार विज़िट करिए। तो मैंने कहा चलिए ठीक है मैं एक बार आता हूँ, मेरे क्योंकि मेरे जो दर्शक हैं मैं चाहता हूँ उनको कॉम्पिटिटिव प्राइस पे सबसे अच्छे प्रोडक्ट्स मिलें। और जो मशीनरी है कोई रोज़ रोज़ नहीं खरीदते हैं, आप करिए, आपकी आगे जनरेशन करें उससे भी आगे करें। मैं ऐसी मशीनरी आपको इतनी फौलादी मजबूत मशीनरी के बारे में अगर मुझे ऐसी जानकारी मिलती तो मैं अपना दायित्व समझता हूँ कि चूंकि मैं ये चैनल चला रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ कि आपको उससे वंचित ना रखा जाए। पर सर मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि कई बार क्या होता है इसमें स्किल्ड लेबर चाहिए, अनस्किल्ड लेबर चाहिए, भाई मुझे तो ये काम करना आता नहीं है, मैं लेबर कहाँ से लाऊंगा, ये बहुत बड़ा सवाल उठता है सर। सर देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका शैलेश जी, इसके अंदर आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल जब हम प्रोजेक्ट आपको प्रोवाइड करेंगे तो उस कंडीशन पे आप हमें बताएंगे कि आपके पास वर्कर्स हैं या नहीं है। अगर आप बोलेंगे कि मेरे पास वर्कर हैं तो हम आपके वर्कर्स को, मेरा इंजीनियर आपकी साइट पर विज़िट करके आपके जो वर्कर्स हैं उनको पूरा ट्रेंड करेगा अच्छी तरीके से। जिस क्वालिटी की आप टाइल्स मेरे ऑफिस के अंदर देख रहे हैं इसी टाइप की क्वालिटी आपकी फैक्ट्री के अंदर बनेगी, इस बात की गारंटी मेरी है। जैसी आप मेरी यहाँ पे देख रहे हैं टाइल, इस टाइप की टाइल आपकी फैक्ट्री के अंदर बनेगी, ठीक है। इस कंडीशन पर अगर आप चाहते हैं कि जी हम आपको लेबर प्रोवाइड करें तो हम आपको लेबर भी प्रोवाइड करेंगे ऑल ओवर इंडिया, किसी भी स्टेट के अंदर, किसी भी सिटी के अंदर अगर आप चाहिए तो आपको हम वर्कर्स प्रोवाइड करेंगे। बहुत ही बढ़िया सर। तो मैं ये जानना चाहता हूँ सर कि जो अगर आपको ऑर्डर कर दिया किसी ने, जी, जी, है ना, मेरे जो दर्शक हैं दोस्त हैं, अगर वो कहते हैं कि हमें ये बिजनेस करना है, भाई अगर आपको और जानकारी चाहिए तो आप डायरेक्ट बात कर लीजिए मुझे, चूंकि मैं बहुत बिजी रहता हूँ दूसरी चीज़ों में और आपके लिए तरह तरह के कारोबार और सब में बिजी रहता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि आप मुझे बिल्कुल कॉल ना करें, आप डायरेक्ट शकील खान साहब को या उनकी टीम को कॉल करें, मैं इसमें कहीं नहीं रहता हूँ, है ना, आप आपस में आपके बीच की बात है। लेकिन मैं आपकी तरफ से ये सवाल बहुत ही लाजमी है ये पूछना कि अगर मान लीजिए किसी ने आपको ऑनलाइन पेमेंट कर दिया, जी, है ना जी, एक तो पहले मेरे दर्शकों के लिए बताइए एकदम, मतलब उनका जो एक एक पैसा, क्योंकि मैं कहता हूँ कि आपकी एक एक पाई बड़ी कीमती है बिल्कुल, और बिल्कुल, बिल्कुल जा मतलब इधर से उधर नहीं हो सकती, तो उनका पैसा एकदम सुरक्षित है, मशीनरी टाइमली डिलीवर हो जाएगी, सही सलामत डिलीवर हो जाएगी, प्रॉमिस करते हैं आप मेरे दर्शकों से। सर देखिए मैं आपको ये चीज़ शैलेश जी एक बार क्लियर करता हूँ कि क्लाइंट अगर मेरे को एक रुपया देता है या एक लाख या दस लाख, उसका पैसा सही सलामत है, वो उसका पैसा कहीं मार में नहीं है। जो क्लाइंट हमें पेमेंट करते हैं और एक टाइम पीरियड देते हैं, हम उनको एक टाइम पीरियड देते हैं 2 या 3 दिन या 4 दिन का, एक एज़ पर डिज़ाइन एज़ पर उसके, तो वो हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे 3 से 4 दिन के अंदर अंदर, ठीक है। तो मैंने आपको जैसे बताया था कि आप एडवांस करिए, आप अपना बुकिंग करवाइए और आपको हम मटेरियल प्रोवाइड करवाएंगे। जी बहुत बढ़िया। तो मैं समझता हूँ ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो यहीं पे मैं विराम देता हूँ इस वीडियो को। अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख के बता सकते हैं मुझे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ बिजनेस कैसे करेगा ये एपिसोड आपको बहुत पसंद आया होगा, अगर हाँ तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक नई स्टोरी के साथ मैं जल्द आपसे मिलता हूँ, तब तक आप अपना और अपनों का बेहद ख्याल रखिए और देखते रहिए यूट्यूब पर बिजनेस कैसे करें। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार।